तो बनारस में पहले दिन की शुरुआत हुई थी 80 घाट के गंगा आरती से, दोपहर हुई थी टटेरी बाजार के बड़े ही पॉपुलर ब्लू लस्सी से, और अंत में हम गए थे मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो चलो अब शुरुआत करते हैं बनारस में दूसरे दिन की। बनारस की गलियां है ना, वो बहुत छोटी छोटी, जिस वजह से काफ़ी सारी गाड़ी जब यहाँ से आती जाती है तो वो हॉर्न बजाती है, तो थोड़ा सा अनोइंग हो जाएगा। बट एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो है यहाँ के चाट। देखा, मैंने कहा था ना थोड़ा सा अनोइंग हो जाएगा ये हॉर्न की आवाज़, बट नो इशू। यहाँ के जो चाट है ना, यहाँ पे फेवरेट मिलता है कचौड़ी चाट, जो आपको हर गली में मिलेगा। हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे दुकानें हैं, और मैंने अभी अभी यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे आलू टिक्की चाट भी मिलता है। तो चलो अभी जाके ट्राई करते, कि मैं मुँह में तो अभी से पानी आने लगा है। चाट है ना, पहली बात है एकदम चटपटा सा, इसमें ये आलू टिक्की डाली है जो कि एकदम गर्मा गर्म है, तो मज़ा आए खाने में। साथ में सिर्फ पूरी है ना, पूरी से मैंने चुरमुरा करके ऊपर से डाला हुआ है, हल्का सा नमक एंड मसाले डाले हुए हैं, साथ में खट्टी मिट्टी चटनी, तो ओवरऑल ना ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। इस चटपटे चाट को खत्म करने के बाद मैं चली आई हूँ मन महल, जो कि दशाश्वमेध घाट के पास ही है। यहाँ बना है उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वर्चुअल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम, जिसका उद्घाटन हुआ था 19 फरवरी 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य वाराणसी शहर के अनुभव को एक ही छत के नीचे लाना था। काशी के लोकल प्रोडक्ट्स में दो चीजें सबसे ज्यादा मशहूर है, बनारस की साड़ी और लकड़ी की चीजें। आजकल जो सबसे मशहूर वुडन प्रोडक्ट्स है बनारस में, वो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मॉडल। सालों से बनारस की गलियों में लकड़ी की ये सामान और बनारसी साड़ी के लूम्स बनते मिलते हैं। काशी जितनी साड़ियों की थी, उतनी ही साहित्य की। मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ अपनी हामिद की कहानी ईदगाह लिखी थी, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी, और तुलसीदास ने वो रामचरितमानस जो आज हिंदू आस्था का सबसे पॉपुलर ग्रंथ बन गया है। काशी कबीर की है, उतनी ही शिव की, और उतनी ही उस्ताद बिस्मिल्ला खान की। शहनाई से शुरू होता बनारस, जिसके दिन का अंत बाबा विश्वनाथ की संगीत वाली आरती से होता है। शाम के वक्त मैं आई हूँ दुर्गा माता मंदिर। इस मंदिर को दुर्गा कुंड मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम की एक वजह ये भी है कि इस मंदिर के बगल में ही कुंड है, जो कि पहले गंगा नदी से जुड़ा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि देवी की मूर्ति जो इस मंदिर में है, वो किसी आदमी द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि वो मंदिर में अपने आप ही प्रकट हुई थी। कहते हैं कि माता दुर्गा इस मंदिर में यंत्र के रूप में मौजूद है। इस मंदिर में बाबा भैरवनाथ, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माता काली के मूर्तियों के रूप में अलग अलग मंदिर हैं। मंदिर के अंदर एक हवन कुंड है, जहां रोज हवन किया जाता है। इस मंदिर में आप लोगों को परिक्रमा करते हुए देखोगे और लाल रंग की चुन्नी माता को चढ़ाते हुए देखोगे। इसकी एक वजह ये भी है कि लाल रंग जो है, वो माता दुर्गा की ताकत, शक्ति, वीरता को दर्शाता है।
दुर्गा कुंड टेम्पल के पास ही है तुलसी मानस टेम्पल। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि चलो ठीक है इस टेम्पल में हो आते हैं। उस दिन की ना कुछ बात ही अलग थी क्योंकि मैं जिस भी टेम्पल में जा रही थी वहाँ पर आरती हो रही थी और मुझे दर्शन मिल रहे थे। मैं अपने आप को खुश नसीब मानूंगी। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर पहले माले पे श्री राम कृष्ण लीला झांकी बनी हुई है जिसके मुझे सिर्फ 10 रुपए देने पड़े थे। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, अगर सुबह आओगे तो सुबह 8 से लेकर 12 बजे के बीच ही आना और शाम को आओगे तो 4 से 8 बजे के बीच में आना, वरना शायद आपको देखने ना मिले। 10 रुपए देखकर जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो मैं आपको वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। अगर आप बनारस में आए हो तो यहाँ तो ज़रूर आना। मैं तो चलो भूले भटके आ गई थी बट ये जो मैंने जो देखा है ये एक्सपीरियंस मुझे आज भी देखकर लगता है कि कितना खूबसूरत तरीके से बताया गया है। अगले दिन मैं निकल पड़ी थी बनारस की कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए तो सोचा चलो शुरुआत करते हैं कचौरी सब्जी से। तो यहाँ पर मैं आई थी ट्राई करने के लिए ये आलू कचौरी। मुझे रामबंडा से खाना था पूरी भाजी पर अनफॉर्चुनेटली आज शॉप बंद था। कोई बात नहीं, मुझे दूसरी जगह पर मिल गई ये पूरी सब्जी तो मैंने ले लिया है। इसमें इन्होंने जो है सब्जी में पूरी दिया है, जैसे इसमें पनीर है, आलू है, परवल है, ये सब मटर है, ये सभी चीज़ें मिक्स करके बनाई गई है। साथ में ये जो पूरी है ये मैदे की नहीं है, ये गेहूं के आटे की बनी हुई है। मुझे आलू की सब्जी खानी थी पर ये तो मिक्स है, फिर भी इतनी स्वादिष्ट लग रही है मुझे। तो अभी मैं जा रही हूँ सारनाथ, यहाँ से मैंने ऑटो की हुई है। ऑटो जो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली लेना पड़ता है रिजर्व्ड ऑटो होती है। मैंने जो चार्जेस दिए हैं वो 500 रुपीज़ दिए हैं। यहाँ से मुझे सारनाथ लेकर जाएगा, जब तक मैं घूमूंगी वो रुकेगा वहाँ पे, वेटिंग चार्जेस इंक्लूडेड है, एंड देन वापस ला के वहीं पर छोड़ेगा जहाँ से आपने ऑटो ली है। बनारस में आकर मुझे पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिक ऑटोज है ना इसे यहाँ के लोग टुक टुक कहकर बुलाते हैं। और एक चीज़ के सारनाथ को लोग पहले सारंगनाथ भी कहते थे। अब मैं आई हूँ वटथाई टेम्पल, जहाँ पे एंटर करते मुझे 80 फीट लंबी बुद्धा स्टैचू देखने मिला है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मेडिटेशन रूम है। इस टेम्पल में आप काफ़ी सारी मूर्तियाँ देखोगे भगवान बुद्ध की जो कि गोल्डन प्लेटेड है अलग अलग मुद्राओं में। वटथाई टेम्पल में आने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे, आपकी कोई फीस नहीं है। और वटथाई टेम्पल इज द प्लेस जहाँ पे कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। तो कुछ इस तरह बीता मेरा दूसरा दिन बनारस में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बनारस का पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, क्लिक करके देख लीजिए फटाफट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।